कट इट। क्या बकवास है ये यार, आप पठान बने हुए हो, आप भूलिए से पठान, बातों से पढ़े लिखे लग रहे हो, लोग हंसेंगे। क्या मत। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाव रिएक्शंस, मेरा नाम है राज और आज मैं बहुत दिनों के बाद आवर वाइंस के किसी वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ। इस वीडियो का टाइटल है पठान्स कैरेक्टर इन फिल्म एंड ड्रामा, तो लेट्स चेक इट आउट। वैसे ओरिजिनल एक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, मेक श्योर टू सपोर्ट आवर वाइंस। ये गर्मी देखो, मैं सारी रात यहाँ इंतजार नहीं कर सकता एक छोटे सी सीन के लिए, और वो पठान बंदा कहाँ है, अभी तक नहीं आया। अरे शुक्र है आप पहुंच गए, हमें पठान एक्टर की शदीद जरूरत है। शुक्र है डायरेक्टर साहब, एक्टिंग करना बचपन से मेरा ख्वाब था और मुझे लगता है आज मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। यार शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम सिनेरियो के हिसाब से एक्टर सेलेक्ट करते हैं। हमें एक सीन के लिए पठान का रोल चाहिए था और उसके लिए हमें पठान ही चाहिए था ताकि एक्टिंग नेचुरल हो। वैसे डायरेक्टर साहब मेरा रोल क्या है? आप चाय की दुकान में बैठे होंगे, आपके ढाबे पे कुछ लोग रुकेंगे, आपने उनसे ऑर्डर लेना है और बीच में थोड़ा फन क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा फनी होना है। मैं रेडी हूँ डायरेक्टर साहब, हो जाएगा। रेडी हूँ? आपने तो बोला था कोई डायलॉग्स नहीं है, बस नेचुरल रहना है। अरे तो पठान तो बन जाऊँ ना। पठान बन जाऊँ, वो कैसे? यार समझाओ इसे। यार अपना हुलिया चेंज करो, कपड़े पहनो, लोगों को पता चले कि तुम पठान हो। मुस्तकीन इधर आओ, इसे ड्रेसिंग रूम में ले जाओ और पठान बनाओ। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये फनी वीडियो होने वाला है क्या, सीरियस मैसेज होने वाला है इसमें। डायरेक्टर साहब मैं तैयार हूँ। अरे यार ये कहाँ से पठान लग रहा है? नहीं डायरेक्टर साहब मुझे समझ नहीं आई, मतलब पश्तो बोलनी है ताकि मैं पठान लगूं। अरे ये किस बंदे को ले आए हो? अरे बेवकूफ, के ऊपर के दो बटन खोलो, आस्तीन चढ़ाओ, पांची ऊपर करो, कंधे पे रुमाल डालो, सर पे पकोड़ डालो, ताकि पठानों वाली फीलिंग तो आए। चलो ऐसे ही कर लेता हूँ। बेसिकली इनको स्टीरियोटाइपिकल लुक चाहिए। अरे अब लग रहे हो ना सही पठान, चलो अपने ढाबे पे खड़े हो जाओ, सीन रेडी। Action! हाँ साहब इधर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आप खाने में क्या पसंद करेंगे? Cut it! क्या बकवास है ये यार, आप पठान बने हुए हो, आप भूलिए से पठान, बातों से पढ़े लिखे लग रहे हो, लोग हंसेंगे। क्या मतलब भूलिए से पठान और बातों से पढ़ा लिखा? क्या पठान पढ़े लिखे नहीं होते? अबे यार होते होंगे, लेकिन हम फनी बना रहे हैं, आप सीन में इन हो जाए, आप पठान बने हुए, हमने फनी सीन बनाना है, लोगों को हंसाना है, आपके साथ मौका है एक्टर बनने का। यार इसको समझाओ। यार देखो जैसे ये लोग आ गए और बैठ गए, आपने यहाँ पे आना है नसवार डाल के और इन लोगों से पूछना है कि एक होचे खाने में क्या पसंद करोगे? यार फनी वीडियो बन रही है, क्यों डायरेक्टर साहब को गुस्सा दिलवा रहे हो? यार सही कर दो। एक्शन। हाँ साहब इधर है। एक होचे खाने में क्या पसंद करेगा? बेस्ट। मुझे पता था आप में है पोटेंशियल एक्टिंग की, आप बहुत आगे जाओगे। ये हुई ना एक्टिंग, अभी नेक्स्ट सीन सुनो। अभी आप वहीं पे खड़े हो, एक बंदा आपसे पूछेगा खान भाई वॉशरूम किस साइड पे, तो आपने आना है, आपने क्या बोलना है? आंखों में इशारा कर, मुझे को इस तरह ताओ देखे, आपने बोलना है आओ ना हम आपको छोड़ता है वॉशरूम, थोड़ा और फनी बनना है। समझ गया समझ गया। अनकंफर्टेबल थोड़ा सा, लाइक सच्ची में ऐसा होता है, बहुत स्टीरियोटाइप किया जाता है पश्तून कल्चर को और पठान लोगों को। मैंने खुद भी नोटिस किया पाकिस्तान में। वॉशरूम जाने कोचा, आना हम आपको वॉशरूम छोड़ देता है। यार नहीं होगा मुझसे ये सीन। गुड। क्यों नहीं होगा यार, हम फनी सीन शूट कर रहे हैं और आपकी वजह से कितने लोग हंसेंगे। कुछ लोगों को हंसाने के लिए मैं अपनी कौम का सौदा नहीं कर सकता। हाँ एक्टिंग मेरा ख्वाब जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा हर ख्वाब पूरा हो। क्यों आपके हर फिल्म आपके हर ड्रामे में पठान का ये हुलिया बना दिया जाता है? क्यों पठान एक डॉक्टर एक टीचर एक पायलट नहीं बन सकता? क्यों आपके हर फिल्म आपके हर ड्रामे में पठान को एक चोर एक बेवकूफ
एक दहशतगर्द दिखाया जाता है। हमारे खुलूस, सादगी और मेहमान नवाजी को बेवकूफ़ी के साथ कंपेयर ना करें। हाँ सर, मैं जा रहा हूँ, और अगर पठानों के लिए कोई अच्छा सा रोल हो तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा। Please consider showing us as normal people next time. We value your respect more than anything. काफ़ी अच्छा मैसेज है, एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर सकता हूँ इससे। ऑब्वियसली मैं पठान नहीं हूँ, ना ही मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन एज अ साउथ इंडियन, बॉलीवुड मूवीज और इंडियन सीरियल्स में साउथ इंडियंस का ऐसे सिमिलर वे में मजाक उड़ता है। हमारा एक टिपिकल एक्सेंट होता है जिसका मजाक उड़ाता है, तुम ऐसा क्यों करता, तुम इधर से क्यों नहीं जाता। तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन पठान लोगों का, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। स्टीरियोटिपिकल ह्यूमर एक ह्यूमर का पार्ट है, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला, बार बार अगर हर मूवी हर ड्रामा में पठान लोगों को ऐसे ही दिखाया जाएगा कि वो अनपढ़ है, उनका बात करने का तरीका फनी है, तो उनको नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करने की जगह पे एक फ़नी कैरेक्टर बनाया जा रहा है। और मैंने इतने ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास देखे भी नहीं है, आई थिंक 6-7 पाकिस्तानी ड्रामास देखे होंगे, और उनमें भी मैंने नोटिस किया कि स्टीरियोटाइपिंग हो रहा है। जैसे कि अहद वफा में मैंने एक नोटिस किया था, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में शाहजहन को दुआ का नाम पता लगाना होता है, तो वो जाता है और वो प्रिटेंड करता है कि वो एक पठान है, और वो कन्विंस करने के लिए वो अगेन टिपिकल एक्सेंट में बात करता है। अहमद का घर है। ओ माड़ा, हम तो जाहिल अनपढ़ बंदा है, हमको क्या पता क्या लिखा है। हा? खुदा का कसम। तो दैट वॉज काफ़ी अननेसेसरी, एंड अहद वफा मुझे अभी तक मैंने जितने एपिसोड्स देखे मुझे पसंद आया, तो मैं ड्रामा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो ह्यूमर बार बार जब रिपीट होता है वो अच्छा नहीं होता। एंड आई नो कि अभी रिसेंटली बुलबुले ड्रामा के साथ इशू हुआ था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था। मैं वापस पुरानी चीज़ों को वापस उठाना नहीं चाहता। आई नो कि नबील ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है, एंड बुलबुले के मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, मुझे काफ़ी फ़नी भी लगा, तो बुलबुले के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन बार बार जब दिखाता है। एंड आई थिंक सुनो छंदा में भी वो जलाल खान का जो कैरेक्टर था वो भी अगेन थोड़ा कॉमेडिक कैरेक्टर। सुनो छंदा को मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सारे कैरेक्टर्स क्रेजी है, सारे कैरेक्टर्स अजीब अजीब काम करता है, तो दैट्स फाइन। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि बार बार आप एक कैरेक्टर को, एक कम्युनिटी को एक ही तरीके से दिखाओगे तो ऑब्वियसली लोगों के माइंड में एक इमेज बनेगा, हाँ ये पठान लोग ऐसे ही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये टाइप ऑफ ह्यूमर को कम्प्लीटली बंद करना चाहिए, बस थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। जैसे इन्होंने भी बोला, कुछ रोल्स में इन्हें डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट दिखाया जा सकता है, तो बैलेंस आउट हो जाएगा, लोगों के दिमाग में कम्प्लीटली नेगेटिव पोर्ट्रियल नहीं होगा। तो या ग्रेट वीडियो फ्रॉम आवर वाइंस। मुझे पता नहीं था कि ये कॉमेडी वाला वीडियो होने वाला, कॉमेडी स्किट होने वाला या फिर सीरियस मैसेज होने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में जो टोन था वो काफ़ी लाइट हार्टेड लग रहा था, लेकिन इवेंचुअली जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया बहुत ही सीरियस मैसेज आ गया। तो वी शुड अप्रिशिएट देम फॉर मेकिंग दिस वीडियो, तो प्लीज़ सपोर्ट देम। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, एंड इस वीडियो में अनफॉर्चुनेटली आकाश अवेलेबल नहीं होगा। लास्ट दिन 3 दिन से मैं ठीक नहीं था, आकाश रेडी था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, एंड आज मैं ठीक हो गया तो आकाश अवेलेबल नहीं, वो कल के वीडियो में आ जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।